सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं जुगनू मैम आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, तो कक्षा 2 से है। हिंदी व्याकरण में आपका पाठ है वर्ण और शब्द। बच्चों, पिछली कक्षा में वर्ण और शब्द से हमने स्वर और व्यंजन के बारे में और उनके मात्रा का उपयोग पढ़ा था। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने स्वरों का प्रयोग किया था, जहां स्वर स्वर के मूल रूप में और स्वर की मात्रा के रूप में उपयोग में लाए गए थे। आज हम लोग रौ में छोटी उ और बड़ी उ की मात्रा को देखते हैं। रौ में छोटी उ रु, जैसे रुपया, गुरु, रुई आदि। रौ में बड़ी उ की मात्रा रु, जैसे रूप, रूमाल, शुरू आदि। इसे अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। इसे अनुस्वार कहते हैं। कुछ अनुस्वार वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे पंखा, मंद, गंदा, मंगल, चंद्रमा, कंघा, लंबा, ठंडा, बंदर, शंख, पंख, डंक, अंदर, कंधा। ये कौन से चिन्ह है? अनुनासिक, जिन्हें हम चंद्र बिंदु कहते हैं। से अनुनासिक चंद्र बिंदु कहते हैं। कुछ अनुनासिक वाले शब्द इस प्रकार हैं, पूंछ, आंख, आँच, वहां, बूंद, सांप, चांदी, चांद, कांटा, यहां, कहां, मुंह, पूंछ, मूंछ, कांच। ये कौन से चिन्ह है? विसर्ग। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है, प्रातः, अतः, नमः। अंग तथा अ स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति वाले वर्ण हैं। ये कौन सी मात्रा है? ओ। अंग्रेजी से आए शब्दों में ओ आता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, ऑफिस आदि। अब र के विभिन्न रूप देखते हैं। मूल रूप में र ऐसे होता है, र थरत, रजत, रबर, रस्सी, रहना आदि। र का पदेन रूप कैसा होता है? ऐसा। क्र, क में र लगा हुआ म, क्रम। च, कर में र लगा हुआ चक्र, प्रश्न, प्रणाम, ट्रक आदि। रेफ रूप में सर्प, पॉपर रेफ की मात्रा वर्ष, शपे र की मात्रा हर्ष, सपे रेफ की मात्रा दर्शक, पर्वत आदि। ध्यान दें, ट्रक में र या से नहीं है, यह तो हलंत और र का मिला रूप है। इसमें हलंत, ये हलंत है तथा ये र है, अतः ट्रक, ट हलंत, जोर र, जोर क हलंत, जोर अ। अब आइए बच्चों संयुक्त व्यंजन जानते, ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स। कभी कभी उच्चारण में कुछ व्यंजन जोड़ कर बोले जाते हैं, ऐसे जुड़े हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। क, श को मिला के छ बनता है। त, र को मिला के त्र। ज, यो को मिला के ज्ञ।
श तालव्य श और र को मिला के श्र। संयुक्ताक्षर लिखने की विधि। हिंदी के वर्णों में 22 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें अंत में पाई आ मिलती है। कुछ ऐसे हैं जो गोलाकार हैं। इन सब को जब आधा या स्वर रहित लिखना हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं। पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, जैसे म में पाई हटा के आधा म, च में पाई हटा के आधा च, ग में पाई हटा के आधा ग आदि। घुंडी वाले अक्षरों का बाद का आधा भाग हटाकर, जैसे क में घुंडी हटा के आधा क, फ में घुंडी हटा के आधा फ आदि। हलंत, हलंत हम ऐसे लिखते हैं लगाकर, जैसे ट में हलंत, ड में हलंत, द में हलंत आदि। तो बच्चों, कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। श तो संयुक्त, जैसे बस्ता, रास्ता, सस्ता, खस्ता। ल ल संयुक्त, बिल्ली, रसगुल्ला, पल्ला, दिल्ली। ओ को संयुक्त, पक्का, चक्की, मक्की, चक्का। चौचो संयुक्त, बच्चा, कच्चा, सच्चा, उच्च। बबो संयुक्त, डब्बा, धब्बा, गुब्बारा, अब्बा। टटो संयुक्त, मिट्टी, पट्टी, खट्टा, लट्टू। बच्चों, यहीं पे आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। हम अपना गृह कार्य, बच्चों इस पाठ के अंत में पेज नंबर 15-14 मैंने आपको पहले भी बोल रखा है बनाने के लिए। आज मैं पेज नंबर 15 और 16 और 17 ये आपको दे रही हूँ बनाने के लिए। आप ध्यान से देखिए, पेज नंबर 15, 16 और 17 ये सभी आपको इस पाठ को पढ़ के और खुद से बनाना है। आज के लिए ये पाठ समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम ये पाठ समाप्त करते हैं। आप अपना गृह कार्य अवश्य पूरा कीजिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा। धन्यवाद।